स्कूल पे आके आपको कैसा लगा? मैं जब भी मैं ऐसा स्कूल में जाता हूँ जहाँ पे बच्चे कुछ एक्टिविटी करते, मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज यही बच्चे हमारे स्टेट और नेशन के लिए है, ये फ्यूचर जनरेशन है। एंड जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उन्हें इनक्रेज करने के लिए मैं आता हूँ। एंड आज मुझे आके और यह देख के इन लोगों को इस इंटीरियर एरिया में, इस टफ एरिया में फिर भी उन लोग अपना टीचर्स को याद करके और स्पोर्ट्समैन को जिस तरह से मना रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए तो आई थिंक इट्स सफिशेंट है, एंड इन फ्यूचर में भी अच्छा होगा। और ऐसे जगह में कंस्ट्रक्शन में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन अपना पूरा कोशिश कर रहा है मुझे लग रहा है। एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड यहाँ के जितने पब्लिक है, एवरीवन इज कोऑपरेटिंग ईच अदर। एंड आई बिलीव कि शायद ये एक अच्छा स्कूल है, मॉडल स्कूल बन के इन फ्यूचर में आएगा। सर यहाँ देखने को मिल रहा है कि पूरा गर्ल्स सेफ है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गर्ल्स रेजिडेंस स्कूल है ये, एंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, बिकॉज हमारा ये यूएनए में भी एक उन लोगों ने गोल अचीव, एक टारगेट सेट किया है ना, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी एक टारगेट सेट किया है कि वुमेन को किस तरह एम्पावर करने के लिए स्टेप लिया जाए। एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली स्टेज स्कूलिंग डेज से। अगर इसे अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो वो आगे जाके सशक्त होगा। एंड ऐसा स्कूल हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा है, एंड सब अच्छी तरह से चल रहा है और बच्चा को आई थिंक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। लास्टली यहाँ का स्कूल के बच्चे और टीचर के लिए मैसेज? मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली टीचर्स को, आप लोग का हाथ में बच्चे के फ्यूचर है, और आप अगर इसे सही से अगर आप इसे एजुकेशन देगा तो उसका लाइफ सही होगा। अगर आप सही से अगर इसे सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो इसका फ्यूचर में भी आगे जाकर तकलीफ आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप के लिए ये बच्चा पेरेंट्स जैसा है, जैसे कि ऑलमोस्ट साल के 8-9 महीने आपके साथ बच्चे रहते हैं, तो आप उनके पेरेंट्स हो गए हैं, अच्छी तरह से इसे आप देखना है। और बच्चों को मैं यही कहूँगा कि जो भी तकलीफें हैं अपने घर में होगा, अपना पर्सनल लाइफ में होगा, उसके बावजूद आप लोग कोशिश कीजिए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है हमें ज़िंदगी में हमें एक रोशनी देगा। एंड सबको पता है कि एजुकेशन हमें चीज़ों को देखने का नज़रिया को बदलता है, आदमी का सोच को बदलता है, एंड एजुकेशन ही लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खेल कूद करते वक्त और सब कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने के बाद भी आप एजुकेशन को जैसे भी हो सीरियसली लेना है, वही मेरा मैसेज होगा बच्चों के लिए। थैंक यू फॉर डी एम के न्यूज़। आज हम लोग ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय भवन में हैं, क्योंकि ये आज ये साल प्रोग्राम चला रहा है हम लोग इंटर स्कूल स्पोर्ट्स लेटलेरी एंड कल्चरल कंपटीशन है। तो इसमें जो हम लोग सोचा है कि ये एक लेट प्रवीण हजारिका ना, प्रवीण हजारिका सर था कि यहाँ में 2009 में ज्वाइनिंग हुआ और 2012 में उसका 22 में उसका देहांत हो गया, क्योंकि यहाँ से जब से ज्वाइनिंग हुआ तब से वो ट्रांसफ़र भी नहीं गया, यहाँ में ही ख़त्म हो गया ना उसका नाम लेके। और साथ ही साथ हमारा यहाँ का चिल्ड्रंस डे के लिए साथ में चिल्ड्रंस डे का नाम लेके हम लोग उसका प्रवीण हजारिका का नाम लेके उसको हम लोग इंटर स्कूल बनाया बुलाया है कि बोट सर्कल सिलसंगो एंड मिंग्यो ना, सिलसंगो एंड मिंग्यो सर्कल का गर्ल्स स्टूडेंट को सिर्फ हम लोग ने बुलाया है कि क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट को हम लोग कैसा आगे ले जाना है। और उसमें हम लोग हर इवेंट का ये खेल कूद होगा कि उसमें लिटरेरी भी होगा और क्रिकेट भी होगा, फुटबॉल होगा और छोटा छोटा स्पोर्ट्स आइटम भी खेल रहा है खेलेगा। और इसका वजह से हम लोग कोई गर्ल्स स्टूडेंट जो हमारा स्कूल से कुछ प्रोफेशनल वे में
प्रैक्टिस करके, यहाँ से कुछ प्रैक्टिस करके वो दूसरा स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेंट हो जाए। इसका वजह से हम लोग सोचा है कि हम लोग कमेटी एज ए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिसाब से, एज ए टीचिंग स्टाफ का हिसाब से हम लोग ने सोचा है कि गर्ल्स स्टूडेंट को हम लोग कैसा इम्प्रूवमेंट करना है ना, गर्ल्स स्टूडेंट को हम लोग कैसा आगे लेके जाना है। सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, और हर खेल कूद से, डांस से, कल्चरल से, सिंगिंग से, हर कुछ इवेंट से गर्ल्स स्टूडेंट को आगे बढ़ा लेता है। इसका वजह से हम लोग वही दिमाग में आया है कि ये साल कुछ तो करके दिखाना है, और प्रवीण हजारिका का नाम को ये साल आज नाम लेके हम लोग ये फंक्शन को चलाएंगे सोच के। वही है। और ये कब से कब तक होगा? ये जो आज 12 है, 12 से 14 तक रखा गया है, और 14 को हम लोग का चिल्ड्रंस डे है, तो उसमें क्लोजिंग सेरेमनी होगा। आज ओपनिंग सेरेमनी हुआ है, और 14 को हम लोग का क्लोजिंग सेरेमनी होगा। आज जैसे आप ये प्रोग्राम रखा है, हर साल रखेगा ना ये बार आप? ये तो हमारा स्कूल में तो हर शाम तो प्रोग्राम तो चलाते रहता है, छोटा छोटा चीज़, कभी दिन स्पोर्ट्स इवेंट, कभी दिन लिटरेरी इवेंट, कभी दिन कल्चरल इवेंट, हम लोग का यहाँ तो चलाते रहता है। और दूसरा दूसरा स्कूल से हम लोग बुलाता भी है, लास्ट ईयर भी इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट बुला के हम लोग खिलाता यहाँ में, और पहला बार भी हम लोग ये हाउस कंपटीशन, हर साल छोटा छोटा इवेंट तो हम लोग कराते रहता है ये स्कूल में। हम नहीं बोल सकता है क्योंकि हमको यहाँ नेक्स्ट साल होगा क्या या नहीं होगा, अगर होने से छोटा मोटा इवेंट में हम लोग जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त हो गया, नहीं तो ये चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, उसमें हम लोग इतना हाई प्रोग्राम नहीं बना के भी छोटा छोटा समय लेके हम लोग उसका नाम लेके हम लोग कर सकता है।